उत्तर प्रदेश के हरदोई में बीजेपी सांसद अशोक रावत के पुलिस सुरक्षाकर्मी ने अस्पताल के कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। अस्पताल में हो रहे कार्यक्रम में हिस्सा लेने सांसद अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ पहुंचे थे, लेकिन थप्पड़ मारने की घटना से पूरे कार्यक्रम में हंगामा हो गया और अस्पताल के नाराज कर्मचारियों ने भी एकजुट होकर सुरक्षाकर्मी को घेर लिया। हंगामा बढ़ते ही कई बीजेपी कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और हंगामा कर रहे अस्पताल के कर्मचारियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारी शांत होने की बजाय हड़ताल पर बैठ गए, जिसके बाद थप्पड़ मारने वाले सुरक्षाकर्मी ने माफी मांगकर हंगामा कर रहे लोगों को शांत किया। अस्पताल के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि टॉयलेट का दरवाजा बंद करने की बात से नाराज पुलिस वाले ने अस्पताल के कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया था। सुरक्षाकर्मी की हरकत से नाराज सांसद ने भी अस्पताल के कर्मचारियों को कार्रवाई का भरोसा दिया। उसने सरकारी कर्मचारी ने अगर कुछ ऐसा किया तो मैं तो ऐसे कर्मचारी को अपने पास नहीं रख पाऊंगा, मैं वापस कप्तान साहब को कह दूंगा ये वापस बुला लीजिए।